चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं सम नंबर 4, जहाँ पे कंसेप्ट जो है वो क्या है, मैच्योरिटी डेट पे जो ड्रॉअर है उसको ही पैसे मिलने वाले, या अदरवाइज वो बोल सकते हैं कि वही अपने पास बिल्स रिसीवेबल रख रहा है, कब तक, जब तक मैच्योर नहीं होगा तब तक। तो देखो बच्चा स्टार्ट करते हैं, सम में क्या है इन्फॉर्मेशन। हितान सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 60,000 ऑन 2 month क्रेडिट टू द हिरेन ऑन 1/6/2016। तो बच्चा यहाँ पे बोला हुआ है जो हितांश है वो क्या है, तो सेलर है। तो मैंने ना ऑलरेडी एक पॉइंट लिख दिया है तो आपको समझाने के लिए इजी हो जाए कि हितांश हमारे लिए क्या बोला जाएगा। तो यहाँ पे हितांश जो है वो हमारे लिए सेलर है। दूसरा हम बोल सकते हैं कि वो हितांश जो सेलर है तो ड्रॉअर भी वही होगा, तो हम यहाँ पे उसको ड्रॉअर भी लिख देते हैं। और दूसरा जो पार्टी है वो हिरेन है, जिसको हम बोलेंगे हिरेन जो है वो परचेजर है। क्या है बच्चा, परचेजर। और दूसरा हम बोल सकते हैं कि सर उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बिल्स रिसीव एक्सचेंज जो आएगा वो एक्सेप्टर होगा, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे वो प्रॉपर लिख ही लेते हैं। चलो तो यहाँ पे एक्सेप्टर वो है हिरेन, ये इसलिए प्रॉपर लिखा बच्चा कि आपको आगे कन्फ्यूजन ना आए, इसलिए। चलो आगे चलते हैं। ऑन 2/6/2016 हितांश ड्रॉ अ बिल ऑफ नेसेसरी अमाउंट टू द हिरेन विच हिरेन एक्सेप्टेड एंड रिटर्न। जो एक्सेप्ट करेगा उसके लिए बिल्स पेबल, जो ड्रॉ करेगा उसके लिए बिल्स रिसीवेबल। आगे चलते हैं। हिरेन पेड द मनी ऑन द बिल ऑन द मैच्योरिटी डेट पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टी। चलो तो हमने पहले बेसिक लिख दिया, इन द बुक्स ऑफ हितांश, इन द बुक्स ऑफ हिरेन। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली जो एंट्री होगी सेल एंड परचेज की होगी, तो फर्स्ट हम वो एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। जो डेट कौन सी है, तो डेट है 1/6/2016, सही है। चलो तो यहाँ पे सबसे पहले सेल कर रहा है, तो सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट होगा। हितांश किसको सेल कर रहा है, हिरेन को। तो यहाँ पे हमने लिखा हिरेन अकाउंट डेबिट, एंड क्रेडिट किसको करेंगे, तो सेल्स वो क्रेडिट करेगा। नरेशन में लिखेंगे बीइंग अमाउंट सोल्ड टू हिरेन, वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे 60,000 का आपने सेल किया, हमने यहाँ 60,000 लिख दिया। सेम चीज़ बच्चा यहाँ नरेशन आपको लिखनी पड़ेगी, जो मैं नहीं लिख रहा वो आपको लिखना पड़ेगा। सेम चीज़ वो यहाँ पे हिरेन क्या लिखेगा, ये डेट पे वो लिखेगा परचेज अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या करेगा बच्चा, तो क्या क्रेडिट करेगा, हितांश अकाउंट क्रेडिट। अब बच्चा ये फुल फॉर्म मैं नहीं लिख रहा, आपको लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना। कितनी अमाउंट है, तो 60,000 उन्होंने परचेज़ किया है, जितना इसने सेल किया इतना ही उसने परचेज किया। अब डेट आई, बारी जो आई वो आई बिल्स रिसीवेबल की एंड बिल्स पेएबल की, क्योंकि उन्होंने ड्रॉ कब किया है, 2/6/2016। तो यहाँ पे 2/6/2016 लिखा। हमारे लिए हितांश के लिए क्या होगा, क्योंकि हमने ड्रॉ किया हुआ है या हमने सेल किया हुआ है तो हमारे लिए वो पैसे मिलने वाले हैं, तो बिल्स रिसीवेबल बोला जाएगा। बिल्स रिसीवेबल ऑलवेज रूल कौन सा अप्लाई होता है, तो बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए क्या होगा, असेट होगा। तो यहाँ पे हम उसको क्या करेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट होगा, और किस से हमें मिल रहा है, तो हिरेन, तो हिरेन अकाउंट क्रेडिट होगा। ये बच्चा ध्यान में रखना, कौन सी अमाउंट का, तो नेसेसरी अमाउंट 60,000 जो है वही अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट मतलब सामने की पार्टी की ओर से देखेंगे, तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, बिल ऑफ एक्सचेंज इसके लिए क्या होगा, तो बिल ऑफ एक्सचेंज इनके लिए जो होगा हिरेन के लिए, हिरेन के लिए ये लायबिलिटी है, तो बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट होगा। डेबिट क्या होगा, तो ये हितांश जो अकाउंट है वही हमारे लिए डेबिट हो जाएगा, और यहाँ पर हम लिखेंगे बिल्स पेबल 60,000, और यहाँ पे हम लिखेंगे बीइंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एक्सेप्टेड बाय द हिरेन, एंड यहाँ लिखेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय द हितांश। नरेशन में आपको इतना लिखना है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, एक स्टेज ऊपर चलता है, तो ये थर्ड स्टेज यहाँ पे जो ध्यान में रखना है, अब ड्यू डेट पहले कैलकुलेट कर देते हैं विद ग्रेस डेज। तो यहाँ पे वो ध्यान में रखना है हमारे लिए जो 2/6/2016 जो हमारे लिए बोला गया है, जो मेन पॉइंट है यहाँ पे, कितने मंथ का बोला हुआ है, 2 months का बोला हुआ है, तो 2 months हमने ऐड किया, तो ये है मैच्योरिटी डेट बिफोर ग्रेस डेज। आफ्टर ग्रेस डेज मतलब 3 days
तीन डे हम ऐड कर देंगे तो 5/8/2016 ये हमारा क्या हो जाएगा, ये मैच्योरिटी डेट हो जाएगी विथ ग्रेस डेज। अब ग्रेस डेज क्या होता है बच्चा, आपको नहीं पता तो इसका मतलब आगे की वीडियो नहीं देखी तो देख लो, क्लियर हो जाएगा। तो चलो बच्चा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपल 5/8/2016। यहाँ पे जो ध्यान में रखना है वो क्या आएगा, तो यहाँ पे जो ध्यान में रखना है, पैसे मिलेंगे तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, बैंक या कैश अकाउंट। कैसे बोला हुआ है, पेड मे मनी ऑन मैच्योरिटी डेट, कुछ भी नहीं बोला, तो बैंक या कैश जो भी लिखना है। और हम पेमेंट किसके रिलेटेड मिला हुआ है, तो बिल्स रिसीवेबल से हमें मिला हुआ है, तो यहाँ से हम लिखेंगे 60,000। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग अमाउंट रिसीव फॉर बिल्स रिसीवेबल। और लास्ट में सामने की साइड हम क्या लिखेंगे, 5/8/2016। और यहाँ पे हम लिखेंगे बिल्स पेएबल, क्योंकि हमें पे करना पड़ रहा है, क्योंकि हमने पहले परचेस किया था, और दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं कि हमें बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया था, तो पे करेंगे तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और पैसे जा रहे हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यहाँ ये पॉइंट हो जाएगा, बीइंग अमाउंट पेड फॉर बिल्स पेएबल, अमाउंट जो होगी वो 60,000 होगी, और ये वाला पॉइंट हमारा ख़त्म हो जाएगा। बहुत सिंपल पॉइंट है, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। इसके साथ बच्चा हम बोल सकते हैं कि हमारा पूरा पॉइंट ख़त्म। प्रॉपर नोटबुक में लिख लो बच्चा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।